अभी तक में हमने आपको पर्सनल हाइजीन पर बहुत सारे वीडियोस दे दिए कि आप किस तरीके से अपने शरीर के सभी अंगों की सफाई कर सकते हो, जैसे आंख हुआ, नाक हुआ, हाथ हुआ, मुंह हुआ और साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट्स, इन सभी की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन हमने आपको जब प्राइवेट पार्ट्स पर हाइजीन की बात की थी तो उसमें एक लाइन बोला था कि आपको प्राइवेट पार्ट्स पर किसी भी तरीके का साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर उन साबुन का इस्तेमाल जो अपने आप चेहरे पर, स्किन पर करते हो, उनका इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना। तो बच्चों का भर भर के कमेंट आया कि मैम आखिर क्यों नहीं करना, आपने क्यों मना किया कि प्राइवेट पार्ट्स पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, आखिर इसके क्या नुकसान है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भर भर कर आए थे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से हमने आपको प्राइवेट पार्ट पर साबुन लगाने से मना किया था, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बच्चा इस वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि उसे भी पता चल सके कि हमें साबुन का इस्तेमाल उन जगहों पर क्यों नहीं करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, और क्या साइंटिफिक साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो कौन से फैक्ट देते हैं जिसके कारण लोग इसको मान भी रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया होगा या फिर आगे की तरफ बढ़ने वाले हो मेरे साथ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है साइंटिफिक रीजन, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। तो आपको बता दे जो स्किन का पीएच होता है वो लगभग कितना होता है, 5.5 होता है। वहीं पर अगर महिलाओं के इंटीमेट पार्ट का पीएच, देखो जो हमारा शरीर है, हमारे जो शरीर का स्किन है उसका पीएच मान लगभग 5.5 होता है, यानी 7 से कम है यानी अम्लीय, और अगर 7 से पीएच ज्यादा होता है इसका मतलब होता है क्षारीय, यानी हमारा शरीर थोड़ा सा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब आगे की तरफ, लेकिन बात करें एक महिला के प्राइवेट पार्ट की, इंटीमेट पार्ट की, तो वहां का जो पीएच मान होता है वो लगभग 3.8 से 4.5 होता है। यहां साबुन का इस्तेमाल करने से पीएच बदल जाता है, और बस यही दिक्कत है कि हमारे शरीर का पीएच जो है नॉर्मल, अगर हमारे अपने सारे स्किन के बॉडी पार्ट्स की बात करें तो वहां का पीएच मान लगभग 5.5 होता है, लेकिन जो इंटीमेट एरिया का पीएच मान होता है वो लगभग 3.8 से 4.5 यानी शरीर के पीएच से कम होता है। और जब आप उन जगहों पर साबुन का इस्तेमाल करते हो तो उन जगहों का पीएच मान बदल जाता है, और इस वजह से बैक्टीरियल और ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर प्राइवेट पार्ट्स की सफाई के लिए सिर्फ गुनगुने या सादे पानी का इस्तेमाल का सलाह देते हैं। आप अगर डॉक्टर से भी बात करोगे, सिर्फ हम नहीं, अगर आप किसी भी डॉक्टर से बात करोगे, उनसे भी वहां के पार्ट्स को हाइजीनिक बनाए रखने के लिए उपायों की बात करोगे तो वो भी आपको सरल शब्दों में कहेंगे साबुन का इस्तेमाल ना करें, उसके बजाय आप गुनगुने पानी या फिर नॉर्मल पानी, सिर्फ पानी से भी साफ रखोगे ना तो वो पार्ट अपने आप साफ रहेगा। आप महिलाओं की योनि की खासियत यही है कि वो अपने आप को खुद ब खुद साफ कर सकती है, आपको किसी भी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। महिलाओं की योनि से खुद केमिकल निकलता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार सकता है, सिर्फ आपको पानी से उन जगहों को साफ रखना है। अपने तरफ से जो सफाई बरत सकते हो आप बस केवल उतना करो, बाकी आपको किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आगे की तरफ बढ़ेंगे साबुन में। अब सवाल कि आखिर साबुन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पीएच मान बदल जा रहा है इंटीमेट एरिया का। तो आपको बता दे साबुन में मौजूद केमिकल प्राइवेट पार्ट्स के पीएच लेवल को बिगाड़ सकते हैं, इससे बैक्टीरियल और ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। साबुन से वजाइना में खुजली, जलन, सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ साबुन से वजाइना यानी महिलाओं की योनि में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं। साबुन से बार बार धोने से शरीर को नेचुरल चिकनाई और अम्लता कम होती है। और ऐसा नहीं है केवल हम आपके, एक बात बता दें, सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स की नहीं, अगर आप साबुन का इस्तेमाल बार बार अपने चेहरे पर कर रहे हो, अपने स्किन पर कर रहे हो, तो याद रखना इसके कारण आपके शरीर की जो अम्लता है वो भी नष्ट होगा और चिकनाई भी खत्म हो जाएगी। फिर आपका चेहरा खुरदुरा हो जाएगा, फिर कहोगे अरे यार मेरा चेहरा कैसा खुर्रा खुर्रा लग रहा है, एकदम हिड़िम्बा की तरह लग रहा है। तो रीजन यही है, सिर्फ यही रीजन है जिसके कारण चेहरा क्या होता है, सुंदर से बदसूरत बन जाता है। तो बार बार साबुन का इस्तेमाल अपने त्वचा पर भी मत करिए, इंटीमेट एरिया की तो बात ही छोड़ दो, त्वचा भी उसको नहीं झेल सकता। तो आप उन जगहों पर
कैसे फिर इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए साबुन का इस्तेमाल कम से कम करिए। चिकनाई त्वचा को फटने से बचाती है और अम्लता कई रोगों के कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। और अगर आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको हमने कहा कि अम्लता नष्ट हो जाएगी। अब जो शरीर अम्लता जब शरीर की नष्ट हो जाएगी ना, तो कोई भी बैक्टीरिया, आपके चारों तरफ हजारों करोड़ों लाखों बैक्टीरिया घूम रहे, अगर इस पेन को उठा रहे ना, तो इस पेन में हजारों की संख्या में बैक्टीरियाज है। अब इन बैक्टीरियाज को हमने छुआ, इस पेन को छुआ, ये बैक्टीरियाज मेरे हाथ में, फिर हम शरीर के जिस पार्ट को टच करेंगे वहां वहां वो बैक्टीरियाज लग रहे। अगर हमारा शरीर अम्लीय नहीं रहेगा तो ये बैक्टीरियाज आसानी से हमारे शरीर में जाकर, चेहरे में जाकर, अंग में जाकर पिंपल्स, दाने, रैसेस, लालपन, ये सारे आपको उत्पन्न करेंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, गुलाब जल आप लगाओ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप क्रीम भी जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल हो, ऐसे क्रीम का इस्तेमाल ना करें। लड़कियां क्या कर रही हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भर भर के इस्तेमाल कर रही हैं, जो आपके चेहरे को खराब कर रहा है, आपके चेहरे को सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत बनाने का काम कर रहा है। तो इन चीजों को भी आपको फॉलो करना, अगर आप क्या चाहते हो कि अपने चेहरे की सुंदरता को बनाए रखना चाहते हो, अपने शरीर की त्वचा की सुंदरता को बनाए रखना चाहते हो, तो मस्ट है कि साबुन का इस्तेमाल आज से ही छोड़ दो। शरीर पर कम से कम करो और प्राइवेट पार्ट्स पे तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं। आगे की तरफ कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश, वजाइना अपना, देखो वजाइना के बारे में हमने पहले कहा था कि वो अपने आप को खुद ही साफ कर लेता, उसको उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सफाई के लिए, वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। इसलिए इसे साफ करने के लिए किसी भी तरीके के चिकित्सीय या औषधियों की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हमने बताया वो क्या रीजन है जिसके कारण डॉक्टर्स और खासकर हम आपको कई सारे वीडियोस में हमने बताया कि साबुन का इस्तेमाल ना करें, तो आज हमने उन रीजंस को आपके सामने लाकर रख दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। और अगर आप भी अपने शरीर पर गोरे दिखने के लिए बहुत ज्यादा साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दे, और अगर इंटीमेट एरिया के आसपास साबुन का इस्तेमाल कर रहे तो उसको तो बिल्कुल ही बंद कर दे, वहां पर बिल्कुल भी साबुन नहीं लगाना है। और खासकर महिलाओं को, महिलाओं को जो कहा जाता है ना, रोग बहुत ज्यादा होते हैं, उनको इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं मेल्स की तुलना में, तो उसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है। तो महिलाएं साबुन का इस्तेमाल उन जगहों पर कभी ना करें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और जस्टफुल क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।